थ्री ऑफ सॉर्ड्स। कोई तो भी नेगेटिव सिचुएशन को लेके आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। टावर सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही बोल दिया कि आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ही ज्यादा मेंटली आप किसी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, और इस टावर कार्ड ने तो प्रूफ ही कर दिया कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा झटका लगा है आपको किसी चीज का। मे बी जरूरी नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वैसे तो मैं लव रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे पर्सनल लाइफ का ही बताना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताना चाहूंगी। कुछ लोगों की लाइफ में उनकी प्रोफेशनल चीज से रिलेटेड कोई झटका लगा है, मे बी आपको बिजनेस में कोई लॉस हो गया है, या आप जिस करियर का अपॉर्चुनिटी देख रहे थे वो करियर आपको नहीं मिला, मे बी जॉब से रिलेटेड आपको कोई झटका लगा है। और मैक्सिमम लोगों के लिए तो भाई यहाँ पे एक ही सिचुएशन है, उनकी लव लाइफ से रिलेटेड किसी पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है और आपको ये अचानक से पता चला, तो आपको ये चीज ना बहुत ही ज्यादा हिला के रख दी आपके बेस को, लग रहा है मुझे। लेकिन आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपने सोचा था कि शायद आपका पर्सन आपको कोई कम्युनिकेशन लेके आएगा, आपको कोई ऑफर देगा, छोटा ही सही। आपने तो बहुत बड़ा ऑफर का एक्सपेक्टेशन भी नहीं लगाई थी उस पर्सन से, आपने तो यही सोचा था कि कोई छोटा ही ऑफर आएगा जरूर। लेकिन ऑफर के बदले में आपको क्या मिला? टावर क्या मिला? और थ्री ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन अराइज हो गई अचानक से। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इस सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप ना इन सिचुएशन से इस वीक में मूव ऑन कर जाएंगे। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ रही है आपकी लाइफ में, आप उस चीज को पीछे छोड़ के मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल आपको मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा, ओके? क्योंकि आप अगर यहाँ पे स्टक रहेंगे तो आप देख रहे हो उस टावर कार्ड में लोग ना बस इस टावर से नीचे गिर ही रहे हैं, आपकी भी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। तो आप, मैं चाहती हूँ कि आपकी सिचुएशन ऐसी ना हो, आपका अगर बेस हिला हुआ है तो आप तुरंत वहां से मूव कर जाइए। आप ऐसी सिचुएशन का वेट मत करिए कि आपको ये चीज फेस करनी पड़े, क्योंकि गिरने के बाद इंसान को और चोट लगती है, है ना? अगर वो देख ले कि टाव कुछ बेस से वीक हो रहा है तो आप वहां से पहले से ही निकल जाइए, है ना? इतना रुकिए ही मत कि आपको इस सिचुएशन को फेस करना पड़े, ओके? तो अगर आपने मूव ऑन नहीं किया है तो मैं बोलूंगी मूव ऑन करिए इस सिचुएशन से। मैं और कार्ड निकालना चाहूंगी। अब तो इंटरेस्टिंग रीडिंग हो गई है कि एक्चुअली आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों रखा, किस मोड में चल रहे हैं वो फिलहाल। अगर उन्होंने आपको टाव मूवमेंट दिया भी है तो वो किस मोड में चल रहे हैं? आपने तो मूव ऑन कर लिया है, नहीं किया है तो कर लीजिए। देखते हैं कि आपके पार्टनर किस मोड में चल रहे हैं, इतनी बेकार तरीके से एंडिंग देने के बाद वो किस मोड में है। थ्री ऑफ कप्स, देखिए यहाँ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये तो क्लैरिफाई कर ही दिया इस कार्ड ने, थ्री ऑफ कप्स ने, कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है। डेविल, आपको उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, तो देखिए ना उनकी लाइफ में किसने एंट्री की। जैसे ही आप निकले, एंट्री कर दी डेविल ने। बहुत नेगेटिव लोगों ने उनकी लाइफ में एंट्री कर दी है भाई, वो चाह के भी इन लोगों के सराउंडिंग से बच नहीं सकते। और एक बात आप समझ लीजिए, आप तो यहाँ टावर से निकल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो है ना डेविल, ये इतना ज्यादा इनको पकड़ के रखा है ना कि ये इनको अपने सराउंडिंग से निकलने ही नहीं देगा, समझ रहे हो ना? तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की अपनी लाइफ की। और देखते हैं, इंटरेस्टिंग रीडिंग है। मून, कह ही रही हूं डेविल जहां आ गया वहां मून तो आना ही है। ड्रामा तो आ गई इनकी लाइफ में। इमोशनली ये बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं, बहुत बुरी सिचुएशन में आपके पार्टनर। मैं कह रही हूं ना, आप तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर मून की साइड आगे बढ़ रहे हैं। मून क्या है? ग्रहण लगाने वाला एक कार्ड ही है एक टाइप से, तो ये ना ग्रहण के साइड आगे बढ़ रहे हैं, इनकी लाइफ में ना ग्रहण लग रहा है जैसे, ओके? बॉटम में मैजिशियन है, चाहते तो बहुत कुछ है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव शिफ्ट आए, टेन ऑफ कप्स आए, बट इन्होंने जो पाथ चूज किया है ना, बहुत गलत पाथ पे निकल चुके हैं ये। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी सिचुएशन अगर अभी बहुत ज्यादा नेगेटिव मोड में चल रही है तो वो पॉजिटिव शिफ्ट में कन्वर्ट होंगी। और कार्ड निकालना चाहूंगी मैं आपके पार्टनर के साइड से, नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, ओके, बॉटम में किंग ऑफ पेंटिकल्स. देखिए इस वीक में ना उनको इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि इन वो डेविल में फंस चुके हैं, तो वो वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, धीरे से ही निकलेंगे और वीक के मिड तक वो इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वो आपके साइड एकदम से एक्शन लेके आएंगे, आपके साइड वो कोई कम्युनिकेशन लेके आ सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो रहा है, जहां पे डेविल आता है ना, डेविल को हैंडल करने के लिए यूनिवर्स को आना ही पड़ता है, भगवान को ही आना पड़ता है. इंसान डेविल को हैंडल नहीं कर सकता, डेविल को हैंडल करने के लिए यूनिवर्स को ही आना पड़ेगा, भगवान को ही आना पड़ेगा. तो वो इस वीक में इंटरफेरेंस उनका हो रहा है और आपको वापस से उनसे रिकनेक्ट मे बी करा सकते हैं यूनिवर्स मे बी. क्या यहाँ तो कार्ड आ गया लवर्स का, तो कराएंगे ही. स्लो पोजिशन मतलब स्लो सिचुएशन जरूर है, वीक के स्टार्टिंग में या मिड तक, मिड से स्टार्ट हो जाएगा वो आपके साइड कोई एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव शिफ्ट आना स्टार्ट हो जाएगा वीक के मिड तक, ओके. और वीक के एंडिंग तक तो आप देखिए यहाँ पे तो लवर्स कार्ड आ ही चुका है, सारी हैप्पीनेस आपको मिलेंगी. इन्होंने ये पेंटिकल देखिए, दोनों जगह पेंटिकल लिए हैं, दोनों जगह पेंटिकल बचा के रखे हैं. किसके लिए रखे हैं भाई? आपके लिए रखे हैं पेंटिकल. यहाँ भी उन्होंने अपना पेंटिकल किसी को नहीं दिया है, यहाँ भी अपना पेंटिकल किसी को नहीं दिया. कितनी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों ना आ गई हो उनकी लाइफ में, पेंटिकल लेके आना चाहते हैं तो सिर्फ आपके साइड ही आना चाहते हैं, ओके. तो इन द लास्ट सारे कार्ड बहुत अच्छे आए हैं. मैं आपके लिए एज अ गाइडेंस निकालना चाहूंगी, क्योंकि आप कुछ ज्यादा निगेटिव सिचुएशन में चल रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ. तो मैं आपके लिए स्पेशली गाइडेंस के पर्पज से कार्ड निकालना चाहूंगी. कह ही चुकी हूँ कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पास इस वीक में, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना. एट ऑफ वंड्स आ चुका है, कम्युनिकेशन 101% आएगा आपको इस वीक में, ओके. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके. बॉटम में पेज ऑफ कप्स है, वही कप का ऑफर आपको लेके आ रहे हैं वो आपके पास. आपके लिए तो गाइडेंस ये है, आप जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होइए, लोगों की हेल्प करिए. जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे, या आप लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो आप एनिमल्स के लिए थोड़ा सा डोनेट करिए, कुछ एनिमल्स की हेल्प करिए. जितना आप एनिमल्स से कनेक्ट होते हैं ना, उतना आप अपना हील कर पाते हैं खुद को. और अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. देखिए यहाँ पे आया है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पे आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड. ये जो स्वॉर्ड्स हैं, आपने सारे स्वॉर्ड अब साइड में रख लिए, मुझे आपने ये डिसाइड किया कि अब भाई अब जो भी सिचुएशन सारी साइड में रखो, मुझे आगे बढ़ना है. और एक स्वॉर्ड आपने हाथ में ले लिया, मतलब एक सिचुएशन आपने ले ली कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आना है, एक किंग की तरह रहना है. ऐसे नहीं कि अपनी लाइफ को बहुत निगेटिव तरीके से निकालना है, आप एक किंग की पोजिशन में आ चुके हैं, ओके. आप बहुत मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं इस वीक में, आप मेंटली स्ट्रांग फील करेंगे. लेकिन ये सारे स्ट्रांग आप तभी फील करेंगे कि आप जब अपने आप में चेंजेस लेके आएंगे, ओके. बैठे बिठाए माइंड एकदम चेंज नहीं होता, आपको खुद कई बार आपको ट्राई करना पड़ता है. अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो उसको एलिमिनेट करना पड़ता है. आपके लिए यही गाइडेंस है, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, लोगों की हेल्प करिए, या एनिमल्स से कनेक्ट हो सकते हैं. कम्युनिकेशन आपके पास 101% आएगा इस वीक में.